इस कार्यक्रम के आयोजक का मिस्टर शाह अंसारी साहब मंच पर बैक कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के चेयरमैन मेरे अजीज दोस्त और बहुत ही ऊर्जावान और मैं समझता हूँ यहाँ की एक नई सोच को देने वाले जनाब सुल्तान साहब, आईटीआई के नोडल प्रिंसिपल आसिफ साहब, यहाँ के प्रिंसिपल भी शायद आसिफ साहब हैं, जनाब सरदार साहब और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, मेरे साथ आज जी और मेरे सामने बैठे वो तमाम पार्टिसिपेंट जो यहाँ पर रोजगार मेले में एक आशा और उम्मीद के साथ आए हैं कि कहीं ना कहीं हमारा सिलेक्शन होना है, उन सबको मेरा वंदन। वास्तव में जहाँ पर आज ये कार्यक्रम हो रहा है, ये स्थान भी अपने आप में एक परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छा इंस्टीट्यूट खड़ा करना इस सुल्तान साहब की बड़ी सोच और बड़ी दरियादिली को दिखाता है। मैं हृदय से तारीफ करता हूँ, एक बार उनके लिए तालियां हो जाए। जनाब ईशा साहब, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आपका प्रयास है, क्योंकि अभी तक रोजगार मिले या तो शहरी क्षेत्रों में रहते थे या तहसील या ब्लॉक हेडक्वार्टर पर लगाया जाता, लेकिन आप ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार मिलने का आवेदन कर रहे हैं, ये अपने आप में एक अच्छा आपका एक कदम है और मैं हृदय से इसकी प्रशंसा करता हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, हम लोग आज देश की जो शक्ल सूरत और स्थिति देख रहे हैं वो बहुत गौरवशाली है। हम लोगों ने जिस समय शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखा, बहुत परेशानियां थी, बहुत संघर्ष थे, घर से स्कूल तक पहुंचना अपने आप में काम होता था, अच्छी सड़कें नहीं थी, अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं थे और सबसे बड़ी बात कि अच्छे इंस्ट्रक्टर भी उस तरह के नहीं थे जो क्वालिटेटिव गुणात्मक शिक्षा हमको दे सके। लेकिन फिर भी हम उस चीज को मानते हैं कि जो परेशानियां हमने फेस की, आज हमारे दोस्त हम सब मिलकर उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और शिक्षा का वो एक मायार वो स्थान आपको देने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके जीवन को एक उज्ज्वल जीवन के रूप में आपको दे सके। हमारा देश आज तकनीक के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया में महत्वपूर्ण स्थान रखे हुए हैं। अभी 2 साल पहले आप सबने कोरोना को फेस किया है और मैं समझता हूँ कोरोना नहीं, ऐसी बहुत सारी बीमारियां, प्लेग आया इससे पहले और हैजा आया, चेचक आया, बहुत सारी बीमारियां, लेकिन किसी का वैक्सीन बनाने की हिम्मत शायद हमारे साइंटिस्ट ने कभी नहीं की। पहली बार ऐसा हुआ, एक ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण मिला कि यहाँ के साइंटिस्ट, यहाँ के वैज्ञानिकों ने हिम्मत दिखाई और वो करके दिखाया कि हम दुनिया में वो सब कुछ कर सकते हैं जो दूसरे देश कर सकते हैं। और उन्होंने पोलियो का वैक्सीन दुनिया के सारे देशों से पहले और सबसे सस्ता वैक्सीन बनाकर दिखाया, ये प्रशंसनीय कदम था। और इन सब चीजों से वैक्सीन बनना नहीं बनना कौन बनाएगा ये अलग विषय है, लेकिन आप लोगों के लिए जो नई जनरेशन है, नई पीढ़ी अब समाज में कदम रख रहे हैं, उसके लिए प्रेरणा का स्रोत है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे पास अच्छे वैज्ञानिक हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं और यहाँ तक कि हम देख रहे हैं हमारे पास अच्छे स्टूडेंट्स भी हैं, लेकिन अभी जैसा कि आसिफ साहब बता रहे थे जो यहाँ का प्रिंसिपल है, हम लोग केयरिंग नहीं है, अटेंशन नहीं है, हम लोगों का कोई टारगेट कोई लक्ष्य नहीं है। आप सोचिए, आप सुबह को घर से निकले और आप सोचे कि हम कहीं भी पहुंच सकते हैं तो कहीं पहुंच पाएंगे क्या? नहीं पहुंच पाएंगे। आपको यह तय करना पड़ेगा कि आपको जाना कहाँ है। तो लाइफ में यदि आपको कुछ पाना है तो आपको एक टारगेट एक लक्ष्य फिक्स करना पड़ेगा और उस लक्ष्य के लिए वो सारे संसाधन जो जरूरी हैं वो आपको चाहिए होंगे, उसके लिए गुणात्मक शिक्षा चाहिए होगी, आपको कौशल चाहिए होगा, स्किल किस क्षेत्र में आपको काम करना है उसके लिए आपको ट्रेनिंग प्रशिक्षण चाहिए होंगे। जैसे कि अभी आईटीआई के जनाब आसिफ साहब बता रहे थे कि हम लोग विभिन्न ट्रेनों में आईटीआई की प्रशिक्षण दे रहे हैं,
लेकिन मैं भी समझता हूं, यहां पर बैठे सब लोग समझते हैं कि आईटीआई को हम किस नजर से देखते हैं। हम आईआईटी को सोचते हैं, बीटेक इंजीनियरिंग के बारे में सोचते हैं, लेकिन आईटीआई के बारे में कब सोचते हैं? जब कहीं एडमिशन नहीं मिलता है तो सोचते हैं आईटीआई कर लिए जाए, ऐसा ही है ना। लेकिन मैं ये मानता हूं कि किसी भी कंपनी फैक्ट्री में जाने के लिए आईटीआई बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए प्रशिक्षण है, जहां से आपकी एंट्री आसानी से हो सकती है। तो कोई भी प्रशिक्षण चाहे आईटीआई हो, इससे पहले जीटीआई की चलती थी, वो शायद बंद कर दी गवर्नमेंट। तो प्रशिक्षण कोई भी हो वो अपने आप में लेना चाहिए, और गवर्नमेंट ने इन चीजों को महसूस किया, तभी तो आपने देखा होगा स्किल डेवलपमेंट के लिए छोटे छोटे इंस्टीट्यूट छोटी छोटी ट्रेनों में शुरू किए गए, जो आईटीआई में नहीं हो सकते थे वो स्किल डेवलपमेंट के लिए, जो हमारे कौशल विकास केंद्र है वहां पर टेक्निकल कोर्सेज सिखाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत का सपना देखा है आत्मनिर्भर भारत का, यानी हम दुनिया में ऐसा देश बनना चाहते हैं कि हम अपने जरूरत की सारी चीजें यहाँ बना सकते हो, और किसी भी देश पर, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर हम लोगों को निर्भर ना होना पाए। और उसके पीछे टाइम लाइन है, हम 1947 से आजाद हुए और 1947 से आज तक का सफर जो भी हमने पाया है या खोया है वो सब आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन जो स्वप्न भारत ने देखा है वो थोड़ा बड़ा है, और उस स्वप्न को पूरा करने के लिए हम लोग योजना बना सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं, लेकिन उसको पूरा करने की जिम्मेदारी सिर्फ आप पर है। क्यों? क्योंकि वही लोग हो आप जो इस चीज को सीखने के बाद भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जाओगे, चाहे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाओगे, मेडिकल के क्षेत्र में जाओगे या प्रोफेशन के क्षेत्र में जाओगे, ये सब अर्थव्यवस्था का क्षेत्र सारा आप ही को संभालना है। तो जब तक आप उस चीज के लिए तैयार नहीं होगा, और तैयार होगा नहीं, गुणात्मक रूप से तैयार नहीं होगा, आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं होगी। आप देखिएगा, डॉक्टर बहुत से होंगे, लेकिन आप किन डॉक्टरों के पास जाते हो तो अच्छे से इलाज करते हैं, आप किन टीचर्स के पास जाते हो तो अच्छे से आपको पढ़ाते हो। तो किसी भी चीज को विशेषता के साथ करना, गुणात्मकता के साथ करना अपने आप में जरूरी है। तो शिक्षा पाना नहीं सिर्फ, बल्कि शिक्षा को गुणात्मक रूप में स्वीकार करना, आपके चेहरे से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके उस माहौल में रहने से पता चलता हो कि आपकी शिक्षा किस स्तर की है, आपका बात करने का तरीका क्या है, आपका काम करने का तरीका क्या है, आपका लोगों के साथ बर्ताव कैसा है। ये सिविलाइजेशन समाज का आपका रहन सहन कैसा है बहुत जरूरी होना चाहिए। तो हम लोग 2047 में जब हो जाएंगे तो 2047 में भारत को 100 साल हो जाएंगे, और 100 साल का भारत आप लोग देख पाएंगे, इस बात की हमें पूरी गारंटी है। हम लोगों में से कितने देख पाएंगे नहीं पता, लेकिन हाँ हमने सपना देखा है कि आप 100 साल का भारत देखोगे, और 100 साल का भारत 1947 के भारत जैसा नहीं होगा। 1947 का भारत खून में लथपथ, बेरोजगारी, गरीबी, अंग्रेजों से लूटा हुआ भारत हमें मिला था, और उस समय हमने संघर्ष किया अपना जीवन बचाने के लिए, अपना जीवन जीने के लिए। धीरे धीरे हम तैयार हुए और आज उस स्थिति में आ गए कि हम अपने भारत को सुंदर बना सकते हैं, उसको संवार सकते हैं और उसको दुनिया में सबसे अव्वल दर्जे का बना सकते हैं। ये जिम्मेदारी आप पर है। तो ये जो लोग, जितनी कंपनियां आपके पास यहाँ पर आई हैं, मैं समझता हूँ उन कंपनियों में आप जाओगे तो कहीं ना कहीं अपने इंस्टीट्यूट का, अपने गाँव का, अपने शहर का और अपने उन टीचर्स का भी नाम रोशन करोगे जिन्होंने आपको पढ़ाया। क्यों? क्योंकि वहाँ काम करने का तरीका, वहाँ पर आपको प्रस्तुतिकरण का तरीका, जो प्रेजेंटेशन होगा कंपनी में, वही आपको साबित कर पाएगा, और जब आप साबित करोगे, अपने आप को प्रूव करोगे, तभी आपको आगे बढ़ने का अवसर मिलेंगे। तो लाइफ कभी रुकती नहीं है, जीवन हमेशा चलता रहता है, और दो चीजें आदमी को किस्मत से मिलती हैं, समय और जीवन, लाइफ। लाइफ का आपकी स्टेजेस हैं, एक स्टेज आप पार कर चुके हो और अब मिडिल स्टेज में आप खड़े हो, जहां से समझ लीजिए आपका एक टर्निंग पॉइंट है, और यहां से जो फिसल गया वो फिर कभी खड़ा नहीं हो सकता, ऐसा हम लोगों ने देखा है। तो इस समय आपको बहुत सारी चीजें फेस करना पड़ेगी, नई तकनीक आपने देखी है, मोबाइल भी उसी में यही असर है, तो यूं समझ लीजिएगा कि हम आपके कारण
प्रार्थना है कि आप लोग अपने देश का, अपने गांव का, अपने शहर का और अपने उन माता पिता का जो आपने अपने जीवन का संघर्ष करके यहाँ तक आपको भेजा है और उन सारे टीचर्स का जिन्होंने आपके चेहरों में क्या क्या देखा है कि आप क्या बनोगे, वो सब ईश्वर आपको खुशियां दे।